करनाल के आईटीआई चौकस में बिजली विभाग के कार्यालय में खुला दरबार लगाकर बिजली से संबंधित व अन्य समस्याओं के समाधान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री किरण देव कांबोज ने पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निरावरण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर समाचार एक्सप्रेस की टीम से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री किरण देव कांबोज ने कहा कि ऐसे खुले दरबार लगाने का उद्देश्य है कि आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से सुना जाए और उनका निराकरण किया जाए, जो उनकी सरकार की प्राथमिकता भी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए जो खुले दरबार लगाए जाते हैं उनमें पहुंचकर उनका लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं का निराकरण कराएं। राज्य मंत्री किरण देव कांबोज ने कहा कि इससे पहले भी इंद्री विधानसभा क्षेत्र में खुले दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी, परंतु करनाल में ऐसे खुले दरबार लगाने का उद्देश्य यह है कि आसपास के क्षेत्रों के व ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकें। इस मौके पर बिजली वितरण निगम के उच्च अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। खुले दरबार में बड़ी संख्या में जिले भर के लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई और उनका राज्य मंत्री किरण देव कांबोज द्वारा संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए। इस तरह का खुला दरबार लगाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को अपनी समस्याएं जो है ना वो लेकर के आने का, इधर उधर ना जाना पड़े और लोगों को अपने स्थान पर जो है ना उनकी समस्याओं का समाधान मिले। आज मैंने यहाँ अपने अधिकारियों को बुलाया है, जिस विभाग से संबंधित समस्या है उसको साथ के साथ जो है ना उसकी समस्या का निदान कराया जाता है, उसको समाधान दिया जाता है। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उनके नज़दीक आ करके उनकी समस्याओं का समाधान देना इस जो है ना इस प्रकार के कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है। देखिए, हर व्यक्ति की जो है ना अलग अलग समस्याएं होती हैं। गरीब लोगों की किसी की राशन कार्ड की समस्या है, किसी की बिजली बोर्ड से जो है ना उनके गलत बिल आने की समस्या है, किसी की अन्य प्रकार की कोई समस्या है, किसी की पेंशन की समस्या है। छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका लेकर के गरीब लोग जो है इधर उधर जो है ना भटकते रहते हैं, उनको इधर उधर ना भागना पड़े, दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। तो इसीलिए जो है ना हमने एक कार्यक्रम बनाया कि 15 दिन में एक दिन जो है वो करनाल में बैठ करके यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, उनको सबकी समस्याएं बैठ करके यहाँ सुनी जाए और उनको यहीं बैठ करके उनको समाधान दिया जाए। सर, खुले दरबार के संबंध में आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, इस प्रकार के जो खुले दरबार होते हैं और जिसमें अधिकारी भी साथ में होते हैं, वहाँ जनता आकर के जब अपना कोई समस्या रखती है उसका तत्काल जो है ना समाधान भी उसको मिलता है और सही रास्ता उसको मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी समस्याएं लेकर के इस प्रकार के जो है दरबार के अंदर आना चाहिए और जो भी सार्वजनिक काम भी होते हैं, कुछ पंचायतों के काम होते हैं, कुछ नगर निगम के सार्वजनिक काम होते हैं, उनको भी जो है ना यहाँ उन पर भी विचार करके उन पर भी जो है ना तत्काल कार्रवाई करा करके और इस प्रकार की जो समस्याएँ होती हैं वार्ड से संबंधित उनका भी समाधान जो है ना यहाँ बैठ करके निकाला जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के लोग आए ताकि उनका निवारण होता रहे और लोगों को जो है ना जन सुविधाएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जो सरकार का उद्देश्य है कि आम व्यक्ति तक जो है ना सरकार की नीतियों का लाभ पहुंचना चाहिए, तो इस शिविर का मेन जो है उद्देश्य यही है। अभी हमने बात की किरणदेव कांबोज, जो कि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह खुला दरबार लगाने से लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। मैं निशा मंडान, कैमरामैन सनी चौधरी के साथ, देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस।